फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम लोग हाफ लाइफ और इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। चलिएगा, पहला न्यूमेरिकल क्या है? अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज फाउंड टू हैव अ रेट कॉन्स्टेंट के इज इक्वल टू 5.5 मल्टीप्लाई 10^-14 पर सेकेंड। फाइंड द हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए जो हाफ लाइफ होती है वो क्या होती है? T1/2 इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। तो T1/2 इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। के की वैल्यू कितना है यहाँ पे? 5.5 मल्टीप्लाई 10^-14। क्लियर? तो आप इसको डिवाइड कीजिएगा, ये आपका आंसर आपका सेकंड में आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज रिड्यूस्ड फ्रॉम 0.6। इसका मतलब ये है कि ये फ्रॉम 0.6, ए कितना है आपका? 0.6 मोल पर लीटर। कितना रिड्यूस्ड टू? इसका मतलब यहाँ से घटकर ये कितनी आई? 0.2 मोल पर लीटर आई। इसका मतलब ए इतना था आपका, 0.6 था, और ये घट के ए माइनस एक्स क्या है, जितनी रह जाती है तो 0.2। तो आपका ए माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना है? 0.2 मोल पर लीटर। ठीक है, कैल इन 5 मिनट टाइम दे रखा है इसने, 5 मिनट। तो आपका क्या होता है, जो फॉर्मूला होता है टी इज इक्वल टू इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? टी इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे के की वैल्यू पूछ रहा है, तो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। तो यहाँ पे के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी। टी कितना है आपका? 5 मिनट है, तो 5 रखिएगा। लॉग ए स्टार्टिंग में कितना था आपका? 0.6। ए माइनस एक्स क्या है? मतलब जितनी रह गई, तो ए माइनस एक्स रह गई है, तो आपका ये कितना आ गया? 0.2। तो ये इससे ये कैंसिल, तो 2 से 6 गया, तो कितना आ गया? 3। तो के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 5 लॉग 3। तो जो लॉग की वैल्यू होती है वो वहाँ पे गिवन होती है, तो लॉग 3 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 2.303 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 0.4771 के। तो ये आपको इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है? कैलकुलेट आप लोग कर लोगे, ये आपका पर मिनट, क्योंकि रेट कॉन्स्टेंट जो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का रेट कॉन्स्टेंट होता है, उसकी यूनिट क्या होती है? पर टाइम। टाइम यहाँ पे क्या है? मिनट। तो पर मिनट ये आपको इसको कैलकुलेट करके ये आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स प्लेस 20 मिनट। तो टी कितना दे रखा है यहाँ पे? 20 मिनट है। फॉर 25% डीकम्पोजिशन। 25 इसका मतलब 25% डीकम्पोजिशन हुआ है, ठीक है ना? रही नहीं है, डीकम्पोजिशन। इसका मतलब x इज इक्वल टू कितना है यहाँ पे? 25%। तो आप इसको डीकम्पोजिशन कैलकुलेट द टाइम व्हेन 75%। तो सबसे पहले इसके लिए देख लेते हैं, यहाँ पे टी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 2.303 अपॉन के लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। तो टी इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग ए कितना मान लीजिएगा, जब परसेंटेज की बात आती है तो ये मान लीजिए 100 ए माइनस एक्स। तो 100 माइनस 25 कितना हो जाएगा आपका? 100 तो आपका हो गया ये 100 माइनस एक्स, क्योंकि 25% डिकम्पोजिशन आपका हुआ है। ये रही नहीं है, ये डिकम्पोज हुआ, इतना आपका डीके हो चुका है, जो प्रोडक्ट में तब्दील हो चुका है। टी इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग 100 अपॉन 75। तो इसको कैलकुलेट करके यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये यहाँ पे कर लीजिएगा आप इसको तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? टी इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग
25 से गया ये, तो लॉग 4 अपॉन लॉग 3, 25 चौका 100, 25 तीन 75, यस। तो टी इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग 4/3 को आप कैसे लिख सकते हैं, लॉग 4 माइनस लॉग 3, जो लॉग की वैल्यू होती है वो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में गिवन होते हैं, तो लॉग 4 की ये रही और लॉग 3 की ये रही, तो टी इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के, टी वन कर लीजिएगा आप इसको, है ना। तो ये टी देखेगा यहाँ पे, टी कितना है आपका 20 है, ये कितना है आपका, टी वन की वैल्यू भी तो दे रखी है कि इतने परसेंट कंपोजिशन के लिए कितने मिनट लगे आपके, 20 मिनट। तो लॉग 4 की वैल्यू कितनी होती है आपके, लॉग 4 की वैल्यू होती है 0.6021, ये गिवन है यहाँ पर, और आपका माइनस 0. लॉग 3 की वैल्यू 0.4771, तो आप इसको, तो 20 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के, तो अब इसको काटेगा तो ये यहाँ पर क्या आ गया 10, तो ये 12 है, ये आपका 12 में से 7 गया तो कितना आ गया 5, यहाँ पे 9 में से 7 गया ये कितना आ गया 2, 5 में से 4 गया ये कितना आ गया आपका 1, तो ये 0.125 आपका आ जाता है। तो यहाँ से के इज इक्वल टू कितना आ गया 2.303 अपॉन 20 मल्टीप्लाई 0.1250 इज इक्वल टू, तो ये अप्रोक्स 0.0143 के आसपास आपका आ जाता है, 0.143 पर मिनट। अब देखिए, अब ये क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द टाइम व्हेन 75%, अब ये क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कैलकुलेट द टाइम व्हेन 75% ऑफ रिएक्शन विल बी कंप्लीटेड, जब आपके 75% कंप्लीट हो जाए तब कितना टाइम लगेगा। तो आपका के हमने अभी निकाला है, के इज इक्वल टू हो गया आपका 0.0143 पर मिनट। अब आपका क्या पूछ रहा है वो दूसरी कंडीशन के लिए, कि जब आपका 75% आपका डिकम्पोज हो जाए, इसका मतलब कंप्लीटेड हो जाए, इसका मतलब यह है कि आपका x इज इक्वल टू कितना है अब की बार, सॉरी ये कंप्लीटेड x इज इक्वल टू कितना है 75 कंप्लीट हो जाए, तो x इज इक्वल टू 75 है, तो t मांग रहा है कि t कितना होगा आपका, ठीक है ना। तो आपका ये देखेगा सेम क्वेश्चन लगेगी आपकी, t इज इक्वल टू होता है 2.303 अपॉन के लॉग a अपॉन a माइनस एक्स, क्लियर। तो इज इक्वल टू 2.303, के कितना है लास्ट क्वेश्चन से हमने निकाला था 0.0143 लॉग a 100, अब की बार कितना कंप्लीट हुआ है 75, तो x की वैल्यू यहाँ पर हम क्या रखेंगे 100 माइनस 75, t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 0.0143 लॉग, तो 100 ये है, 100 में से 75 गया तो आपका कितना आया 25 को 100 को से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपको, 100 को 25 से डिवाइड करके आ जाएगा 4, तो t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 0.0143 लॉग 4 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है कितनी है 0.6021। ये क्वेश्चन के अंदर ये आपकी जो लॉग 4 है उसकी वैल्यू आपकी गिवन होती है 0.21, तो यहाँ पे जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा, कैलकुलेट करके अप्रोक्स वैल्यू आपकी 96.968 मिनट, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है ना, तो कैलकुलेट कर लेना, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेट कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60, तो के इज इक्वल टू कितना है 60 पर सेकेंड, हाउ मच टाइम, टी पूछ रहा है वो, ठीक है ना। इट टेक टू रिड्यूस द इनिशियल कंसंट्रेशन, सपोज करेगा कि आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है आपकी ए, और आपका कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू इट्स
1/10 वैल्यू, ठीक है। तो आपका कहाँ तक रिड्यूस होता है, जब तक उसकी 1/10 वैल्यू रह जाती है। इसका मतलब a माइनस एक्स की वैल्यू दे रखा है a अपॉन 10, ठीक है ना। इनिशियल a है, कितनी रह जाती है रिड्यूस होने के बाद, a बाई 10, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे t के लिए फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, तो 0.2.303 अपॉन के लॉग a अपॉन a माइनस एक्स। तो t इज इक्वल टू 2.303, k की वैल्यू आपकी 60 है, लॉग 10 अपॉन a माइनस सॉरी a रखेंगे यहाँ पर, a माइनस एक्स कितना है आपका a बाई 10, a से a कट गया। तो t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 60 लॉग 10, लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है आपकी 2.303 अपॉन 60 मल्टीप्लाई 1। तो अब यहाँ पे इसको आप, तो क्या गया टीप की वैल्यू 2.303 अपॉन 60। तो अब यहाँ पे इसको डिवाइड कीजिएगा, डिवाइड करने पर ये आपका फाइनल आंसर आ गया पर सेकेंड, ठीक है। तो डिवाइड करके आपका कितना आ जाएगा, ये टी जीरो, ये पहले तो आएगा आपका 0.033 8, 2, 3, 8, तो लगभग इतना आंसर, इतनी सेकंड आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 100 मिनट फॉर कंप्लीशन ऑफ 60% ऑफ द रिएक्शन, फाइंड द टाइम व्हेन 90% ऑफ रिएक्शन विल बी कंप्लीटेड, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपकी फर्स्ट कंडीशन से आप पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, के कैलकुलेट करेंगे। ए की वैल्यू 100 रखेंगे और कंप्लीशन है, इसका मतलब कि एक्स की वैल्यू 60 रखेंगे, ठीक है ना, और टी की वैल्यू 100। तो वहाँ से आप इक्वेशन फर्स्ट कौन सी लगाएंगे आपका, टी इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। तो यहाँ पे ए की वैल्यू 100, एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे, क्योंकि कंप्लीशन ऑफ 60%, तो एक्स की वैल्यू 60 रखेंगे आप, ठीक है ना। और टी कितना 100, तो यहाँ से आप के कैलकुलेट करूँगे, के कैलकुलेट कर लूँगे। अब देखिएगा अब क्या पूछ रहा है, अब ये पूछ रहा है फाइंड द टाइम व्हेन 90% ऑफ रिएक्शन विल बी कंप्लीटेड। तो टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 2.303 अपॉन के लॉग ए की वैल्यू आपके बाहर यहाँ पे 100 रखेंगे, व्हेन 90% ऑफ रिएक्शन विल बी कंप्लीटेड, इसका मतलब 90% आपके, तो 100 एक्स की वैल्यू कितनी है 90, ठीक है ना। के की वैल्यू यहाँ से आपने कैलकुलेट करनी है, ठीक है ना, वो आप वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे आपका टाइम निकल जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आर्यनिश क्वेश्चन को पढ़ेंगे, और इस क्वेश्चन को आपको खुद से लगाना है। थैंक यू।